दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल मोनू शाह मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओफ्लोमैक एम सिरप के बारे में। दोस्तों ओफ्लोमैक एम सिरप का यूज, डोज, बेनिफिट एंड साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बताऊंगा। बने रहिए हमारे चैनल पर और लास्ट तक देखिए, तभी आप सबको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी यह सिरप किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा दोस्तों, हम कोई वीडियो बनाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। आइए बात करते हैं सिरप के बारे में। दोस्तों ओफ्लोमैक एम सिरप का इस्तेमाल मुख्य रूप से बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बच्चों में दस्त की प्रॉब्लम हो। और किन किन प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जाता है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले आप इसका पैकिंग देख लीजिए, ये 30 ml के पैकिंग में आता है और इसका प्राइस होता है लगभग 28 रुपये। और इसे कंपनी बनाती है मैक्लोइड की, और इसमें कंपोजिशन होता है फ्लॉक्सासिन 50 mg, मेट्रोइंडाजोल 100 mg। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं इसे यूज करने का सही तरीका, यानी इसका डोज। दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल 0 से साल भर बच्चों को 2.5 ml सुबह दोपहर शाम दिया जाता है, और 1 साल से 3 साल बच्चों को 5-5 ml 3 बार दिया जाता है सुबह दोपहर शाम, और 3 साल से 5 साल बच्चों को 7-7 ml दिया जाता है, और 5 साल से 7 साल बच्चों को 10-10 ml दिया जाता है 3 बार सुबह दोपहर शाम। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं इसके फ़ायदे, यानी इसका इस्तेमाल किन किन प्रॉब्लम में किया जाता है। तो दोस्तों जिन लोगों को पेचिस की शिकायत हो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, उसको ये ठीक कर देता है। या फिर जिन बच्चों को बार बार दस्त हो रहा हो, एकदम पतली दस्त हो रहा हो, वो परेशान हो गए हो, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको ये ठीक कर देता है। और दोस्तों जिन लोगों के पेट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेट में मरोड़ हो या दर्द हो, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको ये ठीक कर देता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसका इस्तेमाल जिन लोगों को पेशाब में दिक्कत हो, पेशाब में जलन हो या पेशाब रुक रुक कर आ रहा हो, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको यह ठीक कर देता है। या फिर जिन लोगों को कान में इन्फेक्शन हो, कान में फोड़ा फुंसी हो या कान में जख्म हो, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होनी चाहिए और साथ साथ पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों सिरप पिलाने के बाद अगर बच्चे के पेट टाइट हो जाए तो आप समझ सकते हो या बच्चों को सूट नहीं कर रहा है, या फिर बच्चे को बुखार आने लगे तो भी आप समझ सकते हो या बच्चे को सूट नहीं कर रहा है, या फिर बच्चा उल्टी करने लगे तो भी आप समझ सकते हो या बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।